प्रधानमंत्री मोदी ने घाटी में आतंकियों और अलगाववादियों के हमदर्दों को करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर पर फैसले से पाकिस्तान की आंखें चौंधिया गई। मोदी ने जम्मू कश्मीर पर लिए गए फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया। कहा कि वंशवाद की राजनीति करने वाले परिवार अब परेशान हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध करने वालों पर पीएम ने तीखा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार के फैसले से आतंकियों के हमदर्द और परिवारवाद की राजनीति करने वालों को दिक्कत हो रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 से घाटी में सिर्फ अलगाववाद बढ़ रहा था। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि कश्मीर राष्ट्र का विषय है, राजनीति का नहीं। पीएम मोदी ने देश की नीति को स्पष्ट और सही दिशा में बताया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कश्मीर के हालात धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे। देखो, एक लंबी सी जमात है, मुट्ठी भर लोग, लेकिन वो मुट्ठी भर एक ही जमात की जमात है वो, और वो जो है वो राग दरबारियों की भूमिका में आ गई है, अलगाववादियों की राग दरबारी, और वो इसलिए जो है वो इस तरह के सुर और इसी तरह के राग दिखाई पड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने चंद्रयान 2 की कामयाबी और किसानों को लेकर भी अपनी बात रखी। कश्मीर घाटी में अमन और चैन का विरोध करने वालों को आज स्पीकर ओम बिरला ने भी जवाब दिया। स्पीकर ने कहा है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन देश हित उससे भी ऊपर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आर्टिकल 370 हटाने का विरोध करने वालों को कड़ी नसीहत दी है। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओम बिरला ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन देश हित उससे ऊपर है। ओम बिरला ने कहा है कि एक ही देश में अलग अलग कानून नहीं चल सकते। उन्होंने ये भी कहा है कि आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर कश्मीर समेत पूरा देश एकजुट है। अभिव्यक्ति का अधिकार तो है, लेकिन अभिव्यक्ति के अधिकार में देश का हित सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन इस अभिव्यक्ति की आजादी से कहीं देश का नुकसान हो, इसका सभी माननीय सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए और ये मर्यादा सबको रखनी चाहिए। संसद के पारित कानूनों को, जम्मू कश्मीर में उन कानूनों को लागू नहीं होते थे, तो ऐसी चर्चा बहुत लंबे समय से हो रही थी और इसकी एक सार्वगर्भित तरीके से चर्चा हुई। मुझे लगता है कि बहुमत के आधार पर उस विधेयक को पारित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि संसद में हंगामा करने वाले सांसदों को जनता पसंद नहीं करती। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।